अभी हम बेसिकली जोन्स ऑफ ब्लड फ्लो करेंगे. तीन जोन्स होते हैं, लेकिन उन्हें अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के. सही, जो प्रेशर होता है ना कुछ, तो ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स जो के वेंट्रिकल्स दे रहे होते हैं टू द ब्लड बिकॉज ऑफ देयर कंट्रैक्शन. बट सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ ब्लड. आर्बिट्रेरीली अगर हम डिसाइड करें दैट एट द लेवल ऑफ द हार्ट जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना बिकॉज ऑफ द कॉलम ऑफ ब्लड इज़, अगर हम वैसे भी हार्ट है ना, हार्ट में वैसे भी नहीं होगा, इज़ ज़ीरो. सही, और अगर हम एज्यूम करें कि जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द एपेक्स एंड द बेस ऑफ द लंग्स इज़ 23 mm Hg, इसलिए जो हाइड्रो जो प्रेशर है ना बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द एपेक्स इज़ -15, जबकि जो प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द बेस इज +8, यानी प्रेशर डिफरेंस था 23 का हुआ ना. ये बेस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है जब हम जोन्स की बात करते हैं. अभी आई स्टार्ट ऑन द जोन्स. अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फो देखें अगेन अबाउट बैकग्राउंड्स, जो कैपिलरीज होती हैं ना एल्वियोलर वॉल्स में, दे आर डिस्टेंडेड बाय द ब्लड प्रेशर इनसाइड ऑफ देम, बट साइमल्टेनियसली वो कंप्रेस हो रही होती हैं बाय द एल्वियोलर एयर प्रेशर ऑन देयर आउटसाइड. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, कॉन्सेप्ट है ये, यू शुड गेट दिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जोन्स, कि जो एल्वियोलर वॉल में कैपिलरीज है ना उनकी डिस्टेंशन हो रही होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड, डिस्टेंशन हो रही होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली उनकी कंप्रेशन भी हो रही होती है बाय द एल्वियोलर एयर प्रेशर जो कि आउटसाइड होता है. यानी ये एल्वियोलर एयर प्रेशर है ये कंप्रेस कर रहा है कैपिलरीज को, जबकि कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ना उसका प्रेशर डिस्टेंड कर रहा है. सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है. यानी अगर किसी भी वक्त लंग का जो एल्वियोलर एयर प्रेशर है ना वो कैपिलरी ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए ना, तो कैपिलरीज बंद हो जाती हैं और फिर ब्लड फ्लो नहीं होता बिकॉज रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाती है. बिकॉज डायमीटर जब ज़ीरो है इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज इन्फिनिट. डिफरेंट नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में तीन पॉसिबल जोन्स पाए जाते हैं पल्मोनरी ब्लड फ्लो के. हम कह सकते हैं थ्री जोन्स ऑफ लंग्स और थ्री जोन्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो. सेकेंड वाली बात ज़्यादा एक्यूरेट है. नॉर्मल कंडीशन में अगर हम जोन वन की बात करें ना, तो नॉर्मली जोन वन नहीं पाया जाता. जोन वन सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में पाया जाता है. जोन वन में कभी भी ब्लड फ्लो नहीं करता किसी भी पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल में. उसकी क्या वजह हो सकती है? बिकॉज द लोकल एल्वियोलर कैपिलरी प्रेशर नेवर राइजेज हायर देन द एल्वियोलर एयर प्रेशर ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल. पल्स प्रेशर का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा एंड यू शुड नो कि जो आर्टरीज होती हैं उनके प्रेशर एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं, राइट? जो रेडियल पल्स होती है ना उसमें हाईज एंड लोज होते हैं, ACV, राइट? सॉरी, दैट्स रेगुलर वीनस पल्स. अगर रेडियल पल्स की बात करें तो वी हैव करके हम बनाते हैं, दिस इज रेडियल पल्स पेरिफेरल, राइट? सो वी डोंट हैव वन एग्जैक्ट वैल्यू, ये बात पता होनी चाहिए. लेकिन जो जोन वन है ना जो कि सिर्फ पैथोलॉजिकली पाया जाता है उसमें इन फॉर दैट पर्टिकुलर जोन कभी भी ब्लड फ्लो नहीं होता इन एनी पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल बिकॉज इन नो पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल कैपिलरी ब्लड प्रेशर एक्सीड करता है या इवन इक्वल करता है एल्वियोलर एयर प्रेशर को. अब हम आगे चलते हैं. जो जोन टू है ना वो नॉर्मली भी पाया जाता है सर्टेन एरिया में और पैथोलॉजिकली भी. जोन टू में हम कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो इंटरमिटेंट होता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता, और ये रेगुलर इंटरमिटेंसी होती है. कब होता है? ओनली ड्यूरिंग पीक्स ऑफ पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर. ये पीक है ना,
only during peaks of pulmonary arterial pressure. क्योंकि जो systolic pressure है ना, systolic blood pressure alveolar air pressure से ज़्यादा है, लेकिन diastolic blood pressure alveolar air pressure से कम है. फिर हमारे पास आता है naturally, zone 3 भी naturally पाया जाता है. zone 3 में continuous blood flow होता है because alveolar capillary pressure alveolar air pressure से ज़्यादा रहता है throughout the cardiac cycle in that particular segment. सही है. जैसे कि मैंने पहले कहा था, नॉर्मली सिर्फ दो ही जोन्स पाए जाते हैं, जोन 2 एंड जोन 3. अच्छा, जोन 2 नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? नियर द एपेक्स ऑफ द लंग्स, एंड जोन 3 जो बेस के करीब एरियाज है ना, वहाँ पर. इसको भी हम डिटेल में देखते हैं. एक बंदा अपराइट पोजिशन में है. अपराइट का मतलब यू नो वर्टिकली. जो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर है ना एपेक्स पर, सही है, वो 15 मिलीमीटर्स मर्करी कम है कंपेयर टू दैट एट द लेवल ऑफ द हार्ट. सही है ना. अच्छा, नॉर्मली अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स की बात करें, जो पल्मोनरी आर्टरीज में है ना, दैट्स 25 सिस्टोलिक एंड 8 डायस्टोलिक. तो एपिसिस पर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, दैट्स जस्ट 25 माइनस 15, 10 मिलीमीटर्स मर्करी. सही. और ये क्या एल्वियोलर एयर प्रेशर से ज़्यादा है? यस, बिकॉज एल्वियोलर एयर प्रेशर को हम नॉर्मली 0 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कंसिडर करते हैं, राइट? बिकॉज जो एल्वियोलर है, एल्वियोलस है, वो इन बिटवीन साइकिल्स इक्विलिब्रेट हो जाता है विद द एटमॉस्फेयर, इसलिए 0 मिलीमीटर्स मर्करी होती है. सो सिस्टली में तो दे विल बी ब्लड फ्लो, लेकिन डायस्टली में कि हार्ट के लेवल पर डायस्टोलिक प्रेशर 8 होता है ना, लेकिन इट्स इन द नेगेटिव्स. 8 माइनस 15 करो तो नेगेटिव वैल्यू आती है डायस्टोलिक प्रेशर की एट द एपिसिस, जो कि एल्वियोलर एयर प्रेशर ऑफ 0 से ज़ाहिर है लेस होती है, इसलिए डायस्टोलिक केसेस में देयर इजंट एनी ब्लड फ्लो. सो दिस इज द एरिया नियर द एपेक्स ऑफ द लंग्स. अब हम लोअर एरियाज की बात करें जो कि जोन 3 में आते हैं. अच्छा, लेकिन पहले आप, आई एम होपिंग आपको समझ आ गया कि जो ब्लड फ्लो होती है थ्रू द एपीसीज, उसे हम इंटरमीटेंट क्यों कहते हैं. फ्लो होता है सिस्टली में, लेकिन सीज कर जाता है डायस्टली में. जोन 2 ब्लड फ्लो एट द एपिसिस. और ये जोन 2 ब्लड फ्लो कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 10 सेंटीमीटर्स अबव द मिड लेवल ऑफ द हार्ट एंड एक्सटेंड करता है फ्रॉम देयर टू द टॉप ऑफ द लंग्स. अगर ये मिडल है हार्ट का और दिस इज 10 सेंटीमीटर्स अबव इट, सो शुरू होता है 10 सेंटीमीटर्स अबव द मिडल ऑफ द हार्ट और एपिक्स तक कंटिन्यू करता है. सो दिस इज वेयर जोन 2 ब्लड फ्लो इज टेकिंग प्लेस. सही. अच्छा, जब लोअर रीजन्स की बात करें जहाँ पर जोन 3 है कंटिन्यूस ब्लड फ्लो, इट्स देयरफॉर फ्रॉम हेयर टिल ओवर हेयर. सिस्टली एंड डायस्टली दोनों में आर्टीरियल पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर 0 एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए कंटिन्यूस ब्लड फ्लो है. अच्छा, ये हम सब ना अपराइट कंडीशन में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अपराइट कंडीशन में ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कोई अमल दखल होता है. एन ए पर्सन इज लाइंग डाउन, ऐसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स एग्जिस्ट नहीं करते. और अगर आप पूछें कि कौन सा ब्लड फ्लो होता है, कौन सा जोन होता है ब्लड फ्लो का इन अ पर्सन हु इज लाइंग डाउन, तो इन एवरी पार्ट ऑफ द लंग्स देयर इज जोन 3 ब्लड फ्लो इन अ पर्सन इज लाइंग डाउन. अच्छा, अब हमने नॉर्मल कंडीशन बात की, हमने कहा जोन 1 सिर्फ पैथोलॉजिकल होता है, किस पैथोलॉजी में हो सकता है, और अब हम कुछ और डिटेल्स भी देखते हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा था, जोन 1 मीन्स के देयर इज नो ब्लड फ्लो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. और ये कब हो सकता है? जब पल्मोनरी सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर बहुत ही लो है, या फिर एल्वियोलर प्रेशर बहुत ही हाई है. दो ही केसेस हो सकते हैं ना. एक अपराइट पर्सन है, इज ब्रीदिंग अगेंस्ट पॉजिटिव एयर प्रेशर, जिसकी वजह से इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कम
कम से कम 10 मिलीमीटर्स मर्करी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि पल्मोनरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जोन वन ब्लड फ्लो है। अगर हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हैं, इस केस में नॉर्मल रख रहे हैं यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, तो फिर इंट्राएल्वियोलर प्रेशर को कम से कम 10 मिलीमीटर मर्करी तक जाना चाहिए इन ऑर्डर फॉर देयर टू बी जोन वन ब्लड फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ जाता है जोन वन के मुतालिक, इट केम अप इन माई एग्जाम्स, सो इफ़ यू नो इट्स इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसी लेस इंपॉर्टेंट बातों को भी याद रखें, तो इट बेसिकली गिव्स अ बिट ऑफ वैलिडिटी टू योर आंसर। सही, बिकॉज जब ऐसा होगा तो फिर एपिसिस में जोन टू से जोन वन में कन्वर्ट हो जाएंगी ना, बिकॉज आप देखें 8 है और 8 होता है डायस्टोलिक, जबकि सॉरी 15 होता है ना, नॉर्मली 25 होता है हेयर -15, यानी यहाँ पर 10 होता है, और अगर यहाँ इंट्राएल्वियोलर भी 10 है तो 10 10 करेंगे तो डिफरेंस 0 रह जाता है, यानी इक्वल फोर्सेस होती है, इंट्राएल्वियोलर भी 10 होता है और जो चीज़ बंद करी होती है वो भी 10 मिलीमीटर्स मर्करी, इंट्राएल्वियोलर जो चीज़ खोल रही होती है वो भी सिस्टली में 10 मिलीमीटर्स मर्करी, इसलिए ये जोन टू से जोन वन में कन्वर्ट हो जाता है। सही, एक्सरसाइज से इन जोन्स पर क्या असर पड़ता है? एक्सरसाइज में ना ब्लड फ्लो तमाम पार्ट्स ऑफ द लंग्स में बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है जो एपीसीज है ना वो जोन टू से जोन थ्री में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज कार्डिक आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज, और साथ में TPR भी कुछ एक्सटेंड तक बढ़ता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कुछ एरियाज में वेजर कंस्ट्रक्शन होती है स्पेसिफिकली वीनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए जो वीनस रिजर्वॉयर्स हैं, इसलिए आरटीएल प्रेशर क्योंकि बढ़ता है इसलिए जोन टू एपिसिस वाला जोन थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो तमाम जगहों पर बढ़ रहा है और एपिसिस जोन टू से जोन थ्री में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि आरटीएल प्रेशर एक्सरसाइज में पूरी बॉडी में सिस्टेमिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इवन ओवर हियर इवन डायस्टली में जो ब्लड प्रेशर है ना एल्वियोलर एयर प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। एक इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।